हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ASR SSC गुरु। आज का जो वीडियो है वो हमारा है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्नातक में नामांकन को लेकर। आप सभी को पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में नामांकन हो चुका है, बट सीटें फुल ना होने की वजह से स्नातक में नामांकन का फिर से पोर्टल खुलने जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सीटें नहीं फुल होने की वजह से लिए गया निर्णय, स्नातक में नामांकन को खुलेगा पोर्टल। यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सीटें फुल ना होने की वजह से नामांकन का जो पोर्टल है वो फिर से खुलेगा स्नातक के छात्रों के लिए। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक में करीब आधी सीटें खाली रहने से विश्वविद्यालय प्रशासन व छात्र काफ़ी परेशान हैं। यही वजह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन एक बार फिर स्नातक नामांकन के लिए पोर्टल को शनिवार से खोलेगा। यानी इस शनिवार से आपका जो नामांकन का जो पोर्टल है, जो साइट है, वो खुल जाएगा और इसकी अधिसूचना विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दी गई है। स्नातक रेगुलर BA BSc BCom सत्र 2019-22 में नामांकन लेने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन BA BSc BCom में किसी एक संकाय में प्रथम वर्ष में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन किन्हीं कारणों से उनका नामांकन नहीं हो सका, वे आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल 12 अक्टूबर तक अंतिम रूप से काउंसलिंग के लिए खुला रहेगा। तो लास्ट डेट आपका जो एडमिशन का है वो है 12 अक्टूबर, तो इसको ध्यान में रखें। और शनिवार से यानी आज के दिन से आपका एडमिशन चालू हो गया है और 12 अक्टूबर तक आपका एडमिशन होगा। और साथ ही साथ पूर्व में प्रतिभागी के द्वारा जो भी चॉइस दिए गए थे वे अब सब डिलीट हो जाएंगे। यानी पहले अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था और किसी कारण से अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया था और आपने जो चॉइसेस भरी थी वो अब डिलीट हो जाएंगे। विश्वविद्यालय इन्हीं बच्चों से जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था से अब फ्रेश चॉइस की मांग कर रहा है ताकि फिर से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाए और सीटों की उपलब्धता के आधार पर छठी काउंसलिंग शुरू की जाए। दूसरी की विद्यार्थियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अधिक से अधिक चॉइस की संख्या दें। 10 में से कम 5 एफिलिएटेड महाविद्यालयों का चॉइस दें ताकि उनका नामांकन मेधा के आधार पर सुनिश्चित किया जा सके। विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों की इस चॉइस फिलिंग के बाद 3 मेधा सूची प्रकाशित करेगा। इसमें स्लाइड अप करने की सुविधा नहीं दी गई है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि वैसे विद्यार्थी जो काउंसलिंग के बाद अलॉटेड कॉलेज में अगर नामांकन नहीं लेते हैं तब वैसे विद्यार्थियों के लिए आने वाली काउंसलिंग में विश्वविद्यालय प्रशासन विचार नहीं करेगा। तो आपको विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपको एक मौका फिर से दे रही है अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, जो कि आज शनिवार से शुरू हो चुका है और 12 अक्टूबर तक रहेगा। तो इस मौके को ना गंवाएं, जल्दी से जल्दी आप ऑनलाइन आवेदन करें। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने के लिए। धन्यवाद।